पालक के पराठे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसको देखिए, अगर आप करारा सेकेंगे तो और भी अच्छे लगेंगे खाने में। और देखिए, हमारे पराठे बस अब बन के तैयार ही हो रहे हैं। तो रेसिपी को देखने के लिए पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये देखिए, पराठे हमारे कितने अच्छे बने हुए हैं, और ये बहुत ही मुलायम बनेंगे इस तरीके से आप बनाएंगे। और इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तो उससे इनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। तो चलिए चलते हैं पराठे बनाने आज की हम बनाने तैयारी जा रहे करते हैं हैं। और देखिए, पालक का पराठे बनाने के लिए हमने पराठा। क्या ले उसमें रखा हम है। गेहूं के आटे का यूज़ करेंगे। तो पालक के पत्तों को हम उबालेंगे नहीं, हम इनको कच्चा ही काट के डालेंगे। और ये पालक हमने लगभग 1 पाव ली है और इसको हमने धुल के रख लिया है। तो अब पत्तों को चलते हैं, पहले महीन महीन काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, पालक हमने महीन महीन काट लिया, उसमें हमने सिर्फ पत्तियों का यूज़ किया है, उसके डंठल को हमने निकाल दिया है। तो आप लोग भी इस तरीके से पराठा बना के देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे पराठा खाना पसंद नहीं करते हैं पालक का, तो वो भी खाने लग जाएंगे। और ये आप पराठे बना के आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, डिनर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप इसको जो है आटा सानने की तैयारी करते हैं। तो आटे को हमने अच्छे से चाल के साफ़ कर लिया है, और ये गेहूँ का आटा है। तो अब इसमें डालने के लिए हम सबसे पहले डालेंगे अजवाइन। तो इसको हमने हाथों से अच्छे से मसल लिया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसको डालेंगे पहले, ये लगभग आधा चम्मच है। अब यहीं पर हम डाल देंगे नमक। नमक हम लगभग आधा चम्मच डालेंगे, क्योंकि हमारा आधा किलो लगभग आटा है। नमक आपको जैसा कम या ज़्यादा पसंद है, उस तरीके से आप डाल सकते हैं। और अगर आप खाली पराठे ही बना रहे हैं इसको अचार के साथ खाने के लिए, तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर सब्जी के साथ खाएंगे तो नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। और यहीं पर हम डाल देंगे कोई भी तेल मोयन के लिए, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या चाहे तो ना डालें। तो अब हम आटे को अच्छे से मसल लेंगे मोयन डाल के, और जो भी ऑयल हमने इस्तेमाल किया है उसको हम पूरे आटे में अच्छे से मिला लेंगे। और फिर मिलाने के बाद हम डाल देंगे जो हमने पालक के पत्ते काट के रखे हुए हैं। तो देखिए, हमने पालक के पत्तों को डाल लिया है। अब इसको भी अच्छे से हम मसल लेंगे आटे के साथ में, और फिर हम इसका एक डो बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारा डो बन के तैयार हो गया। अब इसको रख देते हैं हम थोड़ी देर सेट कर होने के लिए ढक के। देखिए, एक साइड से हमारा पक चुका है, तो यहाँ पर इस पर हम लगा देते हैं तेल। आप घी भी लगा सकते हैं, और इसको धीमी आंच पे ही पकाइएगा, तभी पराठे हमारे अब इसको अच्छे से पकते हैं। तो अब इसको हम पलट लेते हैं दूसरे साइड। देखिए, हमारे पराठे बिल्कुल भी जल नहीं रहे हैं, और कितने अच्छे से पक रहे हैं। तो आप धीमी आंच पे पराठों को पकाया करिए। तो चलिए, आप इसको पका के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमारा पराठा कितना अच्छा बना है। दोस्तों, मेरे चैनल के वीडियो पे मिक्स वेज का पराठे की भी रेसिपी है, वो भी मैंने बनाया था, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो के लिंक वीडियो में जाके। तो चलिए चलते हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए, हमारा पराठा कितना अच्छा और कितना मुलायम बना हुआ है। तो आप इसको किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। इसको हम आलू और बैंगन की सब्जी के साथ खाएंगे। जिसका वीडियो आप मेरे चैनल पर है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो अगर ये पराठे की रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।